كتاب شير कर लें بسم الله الرحمن الرحيم रहिम सालिसू तीसरा बाप यहीं से पढ़ेंगे ना बता दीजिए जल्दी से रिवात व अदाबू व वैफियत जब्ती है रवायात के आदाब और उसके जब्त की कैफियत को इस बाब में बयान किया जाएगा वफ़ी फसलान इसमें दो फसलें होंगी अलफसल पहली फसल कैफियत रिवायती रवायत को जब्त करने की कैफियत व तकु और उसके हसूल के जराय क्या हैं दूसरी फसल आदाबलिवा रिवायत के आदाब क्या होंगे उस हवाले से बात होगी। होगीफसल कैफी तो रिवायती वक़ु तहमोलिहा हदीस को जब्त करने की कैफियत और उसके हासिल करने के तरीके क्या है? हैं वफी ही मबाहिस इसमें चार इबहास हैं अलमब हसुल अवल पहली बहस कैफियतु सिमाइल हदीसी व तहमुलहु व सिफतु जब्ती ही पहली फसल पहली बहस हदीस को सुनने की कैफियत और हदीस को हासिल करने के तरीके और, सानी, तुरुक आदा। के तरीके और उसकी अदायगी के सीघे क्या हैं तीसरी बहस किताबतुलहदीसी व ही किताबत, किताबत हदीस उसको जब और उस हदीस को करने के हवाले से रिवायत रिवायत हदीस के रिवायत करने के तो ये चार बैसे इस तीसरे बाब में आपने पढ़नी है उम्मीद है कि आज पहली दो बैसों पर बात होगी अलमुरा ये पहली बहस हदीस को सुनने की कैफियत और हदीस को हासिल करने और हदीस को जब्त करने की कैफियत क्या होगी कैसी हासिल करेंगे कैसी हदीस को जब्त करेंगे तो उस हवाले से पहली बहस में बहस की गई है अलमुरा बेकैफियती कैफियत हदीस सिमाई हदीस की कैफियत से मुराद क्या है बयानों इस बात को खोल के बयान करना मा क्या जरूरी है क्या मुनासब है व मा यु क्या है, फी हदीस उसके बारे में जो हदीस का सिमह चाहता है मेरा शुह है शयूग से सिमा रिवायतिन वहिन वो समा करना चाहता है सिमा शेख से अदीस सुनना चाहता है अदीस हासिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए रही ताकि उसके बाद उस रिवायत को दूसरों तक भी पहुंचा सके लिए सबसे पहले इब्तदा में उम्र कितनी होनी चाहिए सिन साल उम्र उम्र कितनी होनी चाहिए और उम्र का मुतयन होना उम्र की शर्त लगाना ये वजूबन और इस्तेबाबन ये लाजमी है या माज इस्तेबाबी है इस बात को समझना होगा रिवायत हदीस के लिए उम्र की शर्त वजूबी है या है?

शेख से हदीस कैसे हासिल करेंगे कैसे लेंगे उसके तरीके क्या हैं वल मुरादु बे जब्ती ही, और ज़ब्त से मुराद क्या है इससे मुराद क्या है अय कायफ यज़बतु अत-तालिबू तालिब इल्म कैसे ज़ब्त करेगा मा तल्क़ाहु मिन अल-हदीस ज़ब्तन योअहिलहु उसने जो अहदीस हासिल की हैं उनको ज़ब्त करने की कैफियत क्या होगी और वो जब्त ऐसा हो कि जब्तन युआहिलुहु वो जब्त उसको इस बात का अहल बना दे इस बात का अहल बना दे ले आयर वी ही ले गई कि वो उस रिवायत को दूसरे से भी बयान कर सके अल्लाह शकलिन ऐसी सूरत में युत मानु इलेही ताकि उस पर इत्मीनान किया जा सके इस अंदाज से अहदीस को लेना और जब्त करना इस अंदाज से हासिल करना कि जब वो दूसरे से बयान करे तो दूसरा उस पर इतमाद भी करे वक दी अताना उलमाउल मुस्तलाही और पक्की बात है इह किया है उलेमाए मुस्तलह अलहदीस ने इस किस्म में मिन उलूम अलहदीस उलूम अलहदीस की इस किस्म में व शुरूता और इसके लिए उन्होंने कवायद वज़ा किए जवाब वजह किए शरुत मत की बेशक बड़ी सूरतों में रातों में वै बिलहदीस और उन्होंने इसमें इम्तियाज किया है बेना तुरो के तहुलदीस हदीस को लेने के तरीके क्या हैं इसके दरमियान उन्होंने कैसे कैसे, ली जाती है और कैसे कैसे उसको आगे है और जाते है। उस से सुनेंगे कैसे उसको कैसे उसके क्या सूरतें होगी इसकी वोहा उनमें से बाज मरातब एक दूसरे से कवि है दर्जा बदर्जा वजाली का

इंतहाई मन तह सलाम इंतहाई महफूज तरीका है वह दिक्का और इंतहाई तरीका है जिसके जरिए हदीस पहुंची और आप खुद देखें कितना तरीका है कितनी मेहनत की गई हदीस पहुंचाने में हाल युशतरा तूमीसलामूख क्या हदीस के हसूल के लिए मुसलमान होना और बाल होना शर्त है या नहीं क्या हदीस के हसूल के लिए मुसलमान होना और बाल होना शर्त है या नहीं ला युशारदीसू हदीस के हसूल के लिए इस्लाम और बलूब शर्त नहीं सही है सही कॉल के मुताबिक ला की बयान करने में यह चीज़ शर्त होगी लेने में नहीं मर बिना रावी जैसा कि रावी की शुरूत में हम बयान कर चुके इसी बिना पर कबूल किया कि जाता रहा रिवायात को बालिक मुसलमान की मात हम हदीस कबला इस्लाम ही जो हदीसें उसने इस्लाम लाने से पहले सीखी जो जोीसें इस्लाम लाने से पहले सीखी है जब उन्होंने इस्लाम कबुल कर लिया तो उसके बाद जो बयान की उसको लिया जाता रहा और बलूगी या बलूगत से पहले अगर किसी ने कोई हदीस याद किया अल्लाह के नबी से सुनकर लाकिन लाखिन लाबुद्दमिन तमीस लाखिन लाबुद्द मिनत तमीस लेकिन नाबालिक का बाऊर होनाबतिल गैरबाल बिनबतिल गैरिलबालिक गैर बालक के लिए बाशाऊर होना ये जरूरी होगा एक नाबालिग है वो समझदार है बाशाऊर है उसने हालत नाबालिगी में हदीस सुनी है तो उसका सुनना ठीक है लेकिन आगे बयान जो करेगा वो बालग होने के बाद करेगा तो फिर उसे हदीस ले ले ली जाती ऐसे अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम था उस वक्त उसने कोई हदीसें सुनी है इस्लाम लाने के बाद उनको बयान कर रहा है तो हदीस काबिल को भूले से हैं बहुत आसान है मुश्किल नहीं है तो इसलिए इनको आपने समझना भी है याद भी करना सिर्फ सुनने पर इतफा नहीं करना कि आपने सिमा की बहस चल रही है चले हम सिमा कर लेंगे ये कवायद आपने याद करनी होगी सिमा पर इतफा ठीक नहीं है अपने पास इसको नोट भी करें खुलासा किताब में तो बहस गुणजान होती है लंबी होती है खुलासा इसका अपने पास नोट कर लिया करें जैसे आसान सी बात है मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने कैसे लिखना है जैसे यहाँ पर यह लिखा है तो तो हम इस्लाम क्या हदीस के के लिए मुसलमान और बालग होना शर्त है खुद सवाल बना के नीचे लिखते शर्त नहीं है बात खत्म हाँ ये बात जरूर है कि अगर जो नाबालिग है वो बाशूर होना चाहिए हाँ हदीस को बयान करने के लिए इस्लाम और बालगो होना शर्त लेने के लिए दीस सीखने के लिए इस्लाम और बालकों ने शर्त नहीं है यह खुलासे में पहले आपको लिखा चुका हूं सारी बहस के शायद आपको याद हो या भूल गए आलम वह इन तारा तो हम हदीस और इसमें यह बात भी कही गई है इनहू युश तारा तो ले तो के बालिग होना हदीस को लेने के लिए शर्त है

सन अरत अब्बास अब्दुल्ला बड़े मशहूर थे हिमा। किसी बेन ये नहीं पूछा ने, ने आगे आपने यदीस नबी सलम से बचपन भी सुनी थी या बालने के बाद सुनी थी ये बात नहीं पूछी अरत अनस ने अरत हुसैन ने अरत इबन अब्बास ने इबन उमर ने

वह अलिबसरा बसरा का मजहब यह है कि दस साल की उम्र में इबी जाए लेकिन लेकिन दुरुस्त आखिरी में फिल आसार आखिरी जमानों मेंदीस में जल्दी की जाए तबकी जल्दी करना सुबह सवेरे के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो जल्दी की जाए हदीस में आखिरी जमाने में क्यों अगर, अगर उसके अंदर उसकी ठीक है अगर उसके अंदर ठीक है तो फिर आखिरी जमाने के अंदर भी हदीस का सिमा किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अब हदीस मुरतब हो चुकी है मुंजबे तब क्योंकि अब हदीस अदीस में मुरतब हो चुकी है किताबी शक्लों में आ गई है तो लिहाजा अब जितना जल्दी और इसी सिमाई सगीर, हल इसी सिमाई सगीर। क्या सिमीर के लिए कोई उम्र मुतयन है बच्चे के लिए कोई उम्र मुतन आदि सुनने के लिए बयान करने की बात नहीं हो रही सुनने की बात हो रही है बयान तो बुलूगुत से बात ही करेगा सुनने की बात हो रही इस तो है इसमें एक कॉल तो यह है बाज उलामा ने तहदीद की है बे सिनीना पांच साल की उम्र पांच साल की उम्र में बच्चा हदीस सुन सकते हैं तो इसलिए अपने छोटे बच्चों को छोटी छोटी हदीस याद कराया करें या आप में से कोई अगर नाजरा पढ़ाती हैं बच्चों को घरों में तो उनको साथ शुरू कर दिया करें उसमें मैं आपको तरतीब बताता हूँ आप उमूमन अरबाइन होती है छोटी छोटी तो उनसे आप ले लें या बिल्कुल आसान तरीका है आप खुद अदीस जमा करें बड़े आसान अक्सर तरीके से आ, मेरा इरादा है इस पे थोड़ा काम करने का कि एक कार्ड की शक्ल में सौदी जमा की जाए उसमें सबसे पहले अकायद फिर इबादत वामलात मत अखलाकियात उसमें सारी चीजें हकूकल्ला हकूक हकुकुल इबाद पे यानी वालदेन के हकूक रिश्तेदारों के हकूक और फिर आगे अखलाकियात रज़ीला क्या है और अखलाक हसना क्या है अखला सयाह क्या है इन सारी चीजों पे और गुनाह के काम क्या क्या हैं नेकी के काम क्या क्या हैं ताकि बच्चे को ये बात पता चल जाए कि हमें किस किस काम से मना किए किस किस काम को हुक्म दिए ये सारी बातें उसके अंदर आ जाए तो अभी से आप छोटे बच्चे हैं अगर किसी के छोटे बहन भाई हैं किसी के तो उनको ये हदीसें आप सुना दिया करें वाले ही इस तकर्रामिल हदीस और महदसिन के हाँ या आहल से मराद है जी हाँ।, के हाँ इस पर अमल होता रहा है पांच साल की उम्र में बच्चे लेना शुरू कर देते वकालीज और दीगर ये फरमाते हैं कि दुरुस्त बात यह है कि उम्र की कोई कैद नहीं है तमीज का इतबार होगा इतवार और तमीज के बच्चा बाशूर है यानी अगर बाशाउर है उसको पहले भी शुरू करवा सकते हैं अगर पांच साल में बाशा नहीं छह साल में करा दें सात साल में करा दें फिर फाहिम तो खिताब अगर वो खिताब को समझ सकता है आप देखिए मामि शाफी रहमतुल्ला बहुत कम उम्र में मामी शाफी रमोल्ला ने दर्श देना शुरू कर दिया बहुत कम उम्र में क्योंकि अभी तो अदीसें जमा हो गई ना किताबी शकल में तो उस वक्त तो इतना कोई जखीरा भी नहीं था लेकिन इमाम शाफी रमोल्ला ने बहुत कम उम्र में दर्स देना शुरू कर दिया इमाम मोहम्मद रहमुल्ल्ला ने बहुत कम उम्र में दर्स देना शुरू कर दिया तो एक वाक्य में पढ़ रहा था कि मामि शाफी रमोल्ला दर्ज दे रहे थे

कैफियत ये थी आते इस तरह की जैसे बच्चों की आदत होती है दोबारा तो अलबास बड़े लोगों ने इतराज़ किया लेकिन इमाम शाफी रहम ने उस पर दलाल पेश किए समझ गए ना बांध गए कि मुझ पर इतराज कर रहे हैं कि अदीस बयान कर रहे और बच्चे में रखेल भी कि बच्चे इस पर बुरा मनाने की जरूरत नहीं तो बाद में कहा कि तमीज के अतबार होगा फिन फा फाहिम अलखिताब अगर बच्चा खिताब को बात को समझता है जवाब और जवाब भी दे सकते बात बच्चे बड़े होते हैं जो सवाल करें ठीक जवाब देते हैं ठीक फौरन जवाब देते हैं छोटे छोटे बच्चे बात तलकात होते हैं। दीनी घराने में रहते हैं ईमानदार होते हैं अक्लमंद भी होते हैं गालिबन औरंगजेब अलमगीर रहम्ला के ज़माने एक वाक है किसी फलसफी ने किसी सवाल किया था एक तो उनके जमाने का वाक्य भी और एक और वाक्य भी है ये हकीम लुकमान के बारे में हकीम के बारे में भी ये वाक मशहूर है दरिया के हवाले से लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये इनके जमाने का है गालिबन किसी ने यह सवाल किया था कि बच्चे से इस हौज में कितने प्याले पानी होगा तो बड़े बड़े दुनियावी तालीम वाले लाजवाब हो गए कि इस हौज में कितना पानी है किसी को कोई पता नहीं है मदरसे का एक छोटा सा बच्चा आया आया उससे पूछा आप बताओ इस हौज में कितना पानी है उसने प्याले के प्याला इतना बड़ा है कि हौज के निसफ जितना है तो दो प्याले होगा अगर प्याला इतना बड़ा है कि हौज के, जितने तो दो कि हौज के चार से तो चार प्याले होगा अगर प्याला इतना है कि हौज का आठवें से तो आठ प्याले होगा ये हौज के एतबार से प्याला होगा जिस तरह बाद बच्चे समझदार भी होते हैं बात का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं तो कहा ना जब वो मुमैय है सही समय उससे ठीक है वही फला अगर वो मुयज नहीं है फिर उससे नहीं होगी अलमा सानी। इसका खुलासा पहले आपको मैं बता चुका हूँ ये जो बहस आपने पढ़ ली आगे पढ़े दूसरी बहस मोली वसी अदा हदीस हासिल करने के तरीके क्या है और हदीस को बयान करने के अल्फाज क्या हैं सीधे क्या है, सीगे क्या है? तरू के तहम्मुल अलहदीस समानियत हदीस हासिल करने के आठ तरीके हदीस हासिल करने के अहम सवाल है अपने पास किताब में साइड पे हाशिए लगा लें हदीस हासिल करने के कितने तरीके हैं आठ तरीके हैं। उनका तस्करा यहां पर किया जा रहा है ये आपको मैं पेज आप लोगों के पास किताब है या पेज शेयर करने की जरूरत है या नहीं है जल्दी से बता दीजिए इस लंबा काम बन जाता है पिक्चर लेना फिर भेजना आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर, कर दीजिए ना फिर ये लोग शेयर कर देते हैं किताब जी ठीक है भी काफी आगे चलें चलें आगे चलें तकरीबन सफा एक सौ अड़तीस है वन थर्टी एट तो ये आठ तरीके हैं हदीस लेने के हासिल करने के इनको आपने याद रखना है इनको अच्छी तरह से आपने समझना है तुरु لفظ शेख वो क्या है शेख से सुनना बराह रास। शेख के अल्फाज को सुनना नंबर दो على शेख शेख को हदीस पढ़कर सुना देना नंबर तीन अल इजाजत शेख ने हदीस की इजाजत दे दी अल अलमुनावल शेख ने अतिया कर दी कोई किताब अपना नुस्खा अतिया कर दिया और अल किताबतु या तालब इल्म को कोई तहरीर लिख कर दे दी अल अलामु या तालब इल्म को किसी हदीस के बारे में इतला दे दी

असिमाऊ मिल शेख शेख से अब राजा सुनना नंबर एक सूरत हु इसकी सूरत क्या होती है शेख से बर रास्त अदीज सुनने की सूरत क्या है अयक शेख वालिब उस्ताद पढ़े और तालब इलम सुने जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप सुन रही है बराबर बात है

इस किस्म का मर्तबा क्या है दर्जा क्या है कबूल है नहीं कबूल क्या है नजदीक जमहूर के नजदीक इस तरह का जो सीमा है ये तुरो के हादीस में आला किस्म पे शामिल होता है सबसे आला अकसाम में से है ये ये रब पढ़ रहा है और शागिर सुन रहे इस तरीके में शेख जो पढ़ रहा है अल्फाज क्या होंगे कैसे पढ़ रहा है क्या कर रहे है वो समझिए तखसूस बाजिल अल्फाजोरों के तहमुल बाज मखसूस अल्फाज के आम होने से पहले हर तरह से हदीस हासिल करने के तरीकों में से कान यजूजुल इस्सामे सामे के लिए ये बात पी जाए से मिन शैख की अन यकूल फिल आदा कि शैख के, के अल्फाज में उस हदीस को बयान करते वक्त ये कहे समियतु मैंने यूं सुना मैंने सुना या यूं कहे हद्दसनी कि शेख ने मुझे यह हदीस बयान की है औ अखबारानी या शेख ने मुझे इसकी खबर दी है और अंबानी या शेख ने मुझे इसकी खबर दी है इसका भी यही मान है औ काल अली या यूं कहे कि उसने मुझे ये कहा है औ जकर अली या ये कहे कि उसने मुझसे ये बात बयान की है ये सारे अल्फाज हैं जब शेख से हदीस सुनी है तवज्जो जब शेख से हदीस सुनी है तो ये सुनने वाला आगे इस हदीस को कैसे बयान करेगा इन अल्फाज के साथ इन अल्फाज के साथ बयान करेगा अखबर अली بعد में तहम्बुल बाद में जब ہو के الفاظ महसूस हो गए ہو के साथ आम हो على शौरत التالي तो अब अब अल्फाज अदा या आने वाली तरतीब के साथ कायम हो गए ये नीचे जो साहिब किताब बयान करने लगे हैं लमा आई तो अदनी सिमा के लिए यू कहे समय तो कहे या हद्दसनी कहे ललक्राती किरात के लिए अखबारानी कहेगा इजाजत के लिए अम्बानी कहेगा और सिमाय मुजाकिरा के लिए कल अली कहे या अली कहे तो अब हर एक के लिए अलग अलग इस्तेमाल हो गई है इस्तेलाहात तो ये नीचे वाली सारी बहस आपने याद करनी है अलकिरात वाले शेख दूसरी किस्म शेख को हदीस पढ़कर सुनाना वो युसमीहा अक्सर उल मुहद्दिसीन अर्जन अक्सर मुहद्दिसीन इसको अर्ज कहते हैं अर्ज इन्हें अर्ज करना सूरतुहा इसकी सूरत क्या होगी

आप में से कोई एक भी पढ़ ले शेख के सामने तो ये बात बराबर है किसी एक ने भी उस्ताद के सामने पढ़ लिया तो ये बराबर हो जाएगी बात वो यस्म और शेख ने उस बात को सुना वह बराबर बात है बिन जबानी पढ़ा जा रहा है या किताब किताब इन किताब से पढ़ा जा रहा है आप जबानी कोई अदीस पढ़ रही है ये किताब से पढ़ रही है बराबर बात है लेकिन शेख सुन रहे हैं वह सवा कान शेख हो और बराबर बात है कि शेख यो तबारी औमस का किताब हुआ कि शेख पढ़ने वाले से सुनकर अपने हाफिज़ी का इतमा कर रहे अपने हाफजे पर इतम करते हुए कर दोनों बातें बराबर है औिक्का तुन सिक्का है या गैर सिक्का है तो दोनों सूरतों में यह बात बराबर है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाज ऐसी भी होता है कि कोई और आदमी जिस पर शेख ने अतमाद किया होता है शेख ने जिस पर एतम किया होता है वो भी शेख के पास बैठे और किताब वो देख रहा है और ये पढ़ता जा रहा है तो ये सूरत भी यहाँ पर दुरुस्त है इस तरह की रिवायत का हुक्म क्या है शेख रिवायत इस तरह की रिवायात यानी शेख पर जिनको पढ़ा गया है और शेख ने उनको सुना है तो उनसे रिवायत करना सही है ब इन फी जमीअ अल सूअर अल मस्कूराती इल्ला मा हुकी बाजी मल्ला यतदबिह मिन अल मुतशद्दिदीन मगर चंद मुतशद्दद किस्म के लोग इन सूरतों के खिलाफ है लेकिन उनकी बात का कोई एतबार नहीं उनकी बात का कोई एतबार नहीं मुतशद्दद आदमी की बात कितना एतबार नहीं होता रुतमतुहा इस तरह की रिवायत का मर्तबा क्या है खुलफा फिर अलावाल इसमें इख्तलाफ किया गया है और इसके मरातब में तीन अकवाल है तीन अकवाल है नंबर एक मुसावियतम ये भी सिमा के मुसावी है जैसे उस्ताद ने पढ़ा और उसने सिमा किया जैसे गिरद ने पढ़ा तो उसद ने सुना ऐसी है बराबर है एक कोलिया के बराबर है सिमा के बराबर है दूसरा कोलिया के सिम से थोड़ा कम है तीसरा कोलिया के सिमा से भी आल है सिमा से आला सिमा से कम सिमा के बराबर आसान बात है उंगलियों पे याद करें आप सिमा से सि आला है सिमा से सि कम है सिमा के बराबर है तीन ही सूरतें तो मुसावियतिसमा रूवान मालिक बुखारी, इमाम मालिक और इमाम बुखारी रमत वो दमीमाजाज़ वालकूफा और कोफा और हेजाज के आजीमा इसके कायल हैं कि जिस तरह सिमा है ऐसी ही है दोनों बराबर है दूसरा कौल समा से कमतर है रूबिया जमहूर अहल मशरक वह सही वहीमायमर आहल मशरक उनका ये कौल है और सही भी यही है और तीसरा कौल आलामा ये सिमा से भी ऊंचा है रूबियान अबी हनीफा व इबन अबी जेब व रिवायत मालिक महम्ला एक रिवायत मालिक की और इमांफा और शेख इबन अबी जेब यही फरमाते हैं कि सह से भी इसका आला दर्ज है कि जब तलबल ने पढ़ा और शेख ने सुना है और शेख ने कोई तनकीद नहीं की तो बात ठीक है इसमें कोई अर्ज की बात नहीं अल्फाज अदा क्या होंगे इस तरह के अल्फाज अदा क्या होंगे तालबिल पढ़ रहा है शेख सुन रहा है तो इसके अल्फाज अदा क्या है अवत करात फलान नंबर एक अहवत सबसे ज्यादा अख्तिया इसमें यूं कहे करात फलान मेरे फलाम पर पढ़ा और भी

जो आम तरीका पर महदिन जिसको बयान करते हैं आम मशहूर मारूफ जो मुहदसिन में है, वो क्या है इतला को लफ् अखबराना लफ्स अखबराना का इतलाक करना फ़कत दू नई रहा किसी और का इतलाक ना करना के कहना बस अलजाजा नंबर तीन इजाजत देना तीसरी सूरत तारीफ अल इजनो बिर रि किताबत इजाजत की तारीफ क्या है अल-इदनों किताबत हदीस की इजाजत देना चाहे तो लफसन हो या किताबतन हो लिख कर दी जैसे फर्ज करें मैं आपको हदीस की इजाजत देता हूं कि मुझे हदीस फला से फला से से मिली है मैं आपको इसकी इजाजत देता हूँ चाहे लिख कर दूँ जसबानी कह दू तो बात एक ही हो गई सूरत इसकी सूरत क्या होगी अयूल शेख लाहदित लिहादित ही शेख अपने तलाबा से यूं कहे लाहदित भी अपने तलब में से किसी एक से कहे अजस तो लका मैं तुझे इजाजत देता हूं अन तुरवी अन्नी साही हल बुखारी क्या आप मुझसे बुखारी को रिवायत करें मैं आपको इजाजत देता हूँ शेख यूं कहे मसलन किसी एक का नाम लेकर यूं कहे जैसे मसलन आप में से किसी का नाम लेकर किसी का नाम लेकर ये कह दिया जाए कि इस हदीस की आपको इजाजत दे दी गई या हदीस की किताब की आपको मेरी तरफ से इजाजत आप इस किताब को पढ़ें जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये बात किसी आप में से किसी एक से ये बात कहता हूं मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक नाम है नीलम तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आप दोरादीस कर लें दो से फारग हो जाएं मशरूत इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आपने अभी दोरादीस मुकम्मल बुखारी आपने नहीं पढ़ी जब आप दो कर लें बुखारी पढ़ लें तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि आप बुखारी आगे बयान कर सकते हैं आपको मैंने इजाजत दे दी तो ये है किसी एक का नाम लेकर उसको बता देना या बाजूरतें ऐसी होती है कि किसी एक का नाम ले लिया या पूरे तलबा को इस बात की इजाजत दे दी जैसे मैं आप सबको इस बात की इजाजत दे रहा हूँ कि जब आप बुखारी पढ़ लें तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है आप बुखारी को आगे पढ़ाएं आप बुखारी को आगे बयान करें हो गई इजाजत तो एक तो ये सूरत है इसकी, अकसाम, लिल कसीरत। इसकी बहुत सारी अनवाह है इसकी बहुत सारी अनवाह है लिल इजाजती अनवाउन हम सत अनवा उसमें से पांच अनवा दर्ज हैं जिनको हम बयान करने लगे पांच अकसाम उसकी दर्जेल हैं जैसे हम अभी आपके सामने बयान करने लगे देखिए नंबर एक शेख को मुआन ले मुआन शेख किसी मुआन किताब की इजाजत है मुआन तालब इलम को जैसे अभी मैंने एक सूरत आपको बता दी बुखारी की इजाजत दी एक मुआन को जैसे मैं कहता हूं एक मुन किताब तिरमिजी है कि इस तिरमिजी कि जो सनत उस सनत की मैं आपको इजाज़त दे रहा हूं जैसे भी किसी भी तरह किताब भी मुन तारम भी मुतिन एक को मुतन कर दिया कि आपको फला किताब की मैं इजाजत देता हूँ जो तो ये मुआन है पहली सूरत यूं कहे मैंने

नंबर दो शेख किसी को गैर कोत चीज की इजाज़त दे देता है तालब इलमत है चीज़ मुतन नहीं है देखिए पहली सूरत दोनों मुतन दूसरी एक मुतन दूसरी मुन नहीं जैसे का अजस्त का रिवायत मसमुआती मैं तो मैं अपनी मसमुआत की इजाजत देता हूँ जितनी रवायात भी मैंने ली है उन सब की मैं आपको इजाजत देता हूँ

हम असर लोगों को अपनी मसमुआत अपनी रवायात की इजाजत देते हैं मसलन चौथी किस्म वो हो गई चौथी किस्म यू जीज बेमजहूलन अवल मजहूल किसी मजहूल चीज की या किसी मजहूल फर्द को इजाजत दे चीज भी मजहूल फर्द भी मजहूल जैसे का का किताब सुनन जो सुनन है मैं आपको उनकी इजाजत देता हूं अब सुन तो बहुत सारी है मुता नहीं है मझूल है हुआ सुनन। और इसने सुनन की बहुत सारी एक तादाद याद की हुई है या कहे तो दमिश्की।, दमिश्की को मैंने इजाजत दे दिया पता नहीं खालत दमिश्की कौन से दमिश्क में बहुत सारे खालत रहते हैं या मसल कहता हूं अब्दुल्ला को अदीज की इजाजत देता हूँ अब अब्दुल्ला मझूल है कौन सा अब्दुल्ला वल्ला वाले मजारों की तादाद में अब्दुल्ला मौजूद है मजूल है तो कहते हैं वह ना का जमात उन मुश्तर इस नाम में बहुत सारे लोग शामिल हैं मुश्तर हैं एक जमात के ये खालिद नाम है क्या पता किस खालिद को इजाजत दी कोई पता नहीं पांचवी सूरत अल इजाजतु लिल मादूम मादूम को इजाजत देना जो है ही नहीं

ऐसी तो रवायात का हुक्म क्या है ऐसी रवायात का हुक्म क्या है सिर्फ पहली है पहली किस्म है मुताबिक जमहूर का इसी पर अमल है और वो इस तरीके को जायज समझते वो आप और उल्लमा की एक जमात ने इसके इनकार किया है नहीं। नहीं। और इमाम शाफी की दो रवायतों में यह ठीक नहीं है जो बाकी अनु पहली केलावास में बहुत ज्यादा और अक्सर अख्तिलाफ किया गया बहुत ज्यादा और सख्त और अक्सर अख्तिला बहर हाल असल बात यही है कि इस तरह की रवायात तो और इसके अंदर तसाउल करना यह कोई मुनासिब बात भी नहीं है लिहाजा इस तरह की रवायात ठीक नहीं इस तरह की रवायात में अल्फाज अल उला बेहतर यह है कि यूँ कहे मुझे फलाने इजाजत दी है यूं कहे मुझे फलाने इजाजत दी है आसान सी बात अजाज अली फलाने फलाने मुझे इजाजत दी है ويجوز بعبارة السماع والقراءة مقيدة और इसको मुकैद करे सिमा और किरात की इबारत के साथ जैसे हद्दसना इजाजतन और अखबरना इजाजतन इसके साथ इसको मुकैद करे इस्तिलाहुल मुताखिरीना मुताखिरीन की इस्तिलाहात इस बारे में अम्बाना साहिब किताब और साहिब किताब बिन बिकर इसकी इजाजत दी है, इसके है। उनकी किताब विजाज़ा है किताब-ul-विजाज़ा के शेख अब्बुल अब्बास वलीद ने इस बात को पसंद किया है नंबर चार अल मुना आज किस्म थी ना अच्छा ये बात बताएं कि पढ़ना या बस करनी है वैसे भी साढ़े बारह साढ़े ग्यारह शुरू किया है तो साढ़े बारह तक चलाए रखें जल्दी से बता दीजिए जजाक तो चलें चौथी केसम ठीक है चौथी केसम मुना वाला तलब को कोई किताब अता कर देना कि भाई ये किताब ले लें आप जैसे मैं आपको कोई किताब दे देता हूँ हदीस की कोई किताब आपको दे दी आपको किताब पेश कर दी तो ये भी एक इजाजत होती है जिस तरह जैसे ना बस असकार दुआएं होती है एक उनकी इजाजत होती है तरह तरह कर जबान से इजाजत पढ़कर सुनाने से इजाजत इजाजत मांगने से इजाजत किताब देना यह भी एक इजाजत है जिस तरह ये आपने सुना होगा अदाउलिया सुने नाम आप लोगों ने शहमूसा रूहानी बाजी महुल्ला की किताब है अजीब किताब है तो अब उसमें उन्होंने इजाजत की तरतीब भी लिखी हुई है यूं, यूं उसकी इजाजत लेना चाहिए अब अगर वो किताब खुद मुसन्न किसी को किताब दे देते हैं तो समझे इजाजत दे रहे हैं समझे की इजाजत दे रहे हैं। या मुझे उनके बेटे ने दी थी किताब तो ये समझे किताब दी उन्होंने तो अगरचे साथ जबान से कहा भी लेकिन वो किताब देना ये भी एक इजाजत की किस्म होती है कि मेरी किताब आप ले लें मतलब इजाजत दे रहा हूँ तो ये भी एक इजाजत की किस्म होती है या कोई आदमी आपको कोई अदीज़ की कोई किताब तो फता दे रहे अदीज़ की किताब आपको दे रहे तो इसको इजाजत भी समझे जाते बह इसमें तफसील है वो आप समझे क्या है तो मुनावला की दो किसमें

सात इजाजत के अल्फाज भी कहें दूसरी सूरत मुजरदा खिलाफ इसकी सूरत यह इतनी बात कहता है कि ये मेरी रिवायात है जिनको मैंने सुना है बस और कुछ नहीं कहता किताब देता है और कहता है कि इसमें मेरी रवायात हैं जिनको मैंने सुना है हुक्म रिवायत बिहा इसके साथ रिवायत करने का हुक्म क्या है अमल मकर बिल मकर बिल किताब भी दिए सात अल्फाज से इजाजत भी दिए फतज और रवायत बिहा इसके साथ रवायत करना जायज़ है वो ये सिमा और थोड़े कम दर्जे की होगी वो अमल मुजर्रदिलद इजाजत है फलात रिवायत बिल सही सही है किस तरह रवायत को बयान करना जायज़ नहीं होगा सिर्फ किताब दी और कहते हैं ये मेरी रवायात है जो मैंने जमा की कहा कुछ नहीं और <coughs> अच्छा, अच्छा।, अच्छा। अल्फ़ाज़ुल अदा क्या होंगे अल्फ़ाज़ुल अदा क्या होंगे इस सूरत में अल असनवाली अक्सन बेहतर यह है यू कहे नावाली नावलनी औ नावलनी व दो बातें शेख ने मुझे किताब दी है एक बात या ये कहे कि नावलनी व अली शेख ने मुझे किताब भी दी और इजाज़त भी दी है देखिये अब दो बातें आ गई पहली यह है कि सिर्फ कहते हैं मुझे किताब दी है दूसरी यह है कि यूं कहता है कि मुझे शेख ने किताब भी दी और मुझे इजाजत भी दी है नावल तो मकर बिल इजाज़ा जबकि किताब देना इजाजत के साथ हो किताब भी दी और साथ इजाजत भी दी ये तो पहली सूरत है और ये बेहतर है अक्सन है दूसरी व यजूस दूसरी सूरत यजूस जो जायज़ है बे इबारत मुदारत सिमा बलकर मुदत के जो अल्फाज हैं के जो अल्फाज हैं वो किरात के साथ हैं। जैसे हदना मुनावलता हदसना मुनावलता मुनावलत की सूरत में बयान किया है या ना मुनावलतन व इजाजतन यू कहता है कि शेख ने हमें इजाजत और मुनावलत के साथ इसको बयान किया तो ये भी है। अच्छा, यह भी जायज पांचवी सूरत नंबर पांच अलताबत अच्छा यहाँ तक चार आपने पढ़ी है थोड़ा सा इनमें जाते हैं इनको समझते हैं फिर पांचवी बाद में अगर वक्त रहा तो पढ़ लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे क्योंकि बहस बहुत अहम है तो जब तक आपको खुला, खुलासा न समझाया आपको बात समझ नहीं आएगी पहले आप अपने पास जल्दी जल्दी लिखें जल्दी जल्दी लिखें अक्से अदीस के तरीके नंबर एक से नंबर दो किरात नंबर तीन इजाजत नंबर चार मुनावलत नंबर पाँच मुकातबा नंबर छः आलाम नंबर सात वसीयत नंबर आठ वादा जिनमें से अल्हदिल्ला चार आपने पढ़ लिए, मुनाविला तक आपने पढ़ लिया आगे चार रह गए हैं अब इनको आप जरा तफसला आप कोशिश करें समझने की साहिब किताब ने आपको जो बहस समझाई है कि अहदीस लेने के आठ तरीके सिमा का तरीका सबसे आला और अरफा है ये सिमा की सिमा पर बात कर रहे हैं सबसे इब्तदाई और महदसिन के निक से निकराद क्या होती है शागिर्द उस्ताद के अल्फाज सुने खा उस्ताद किसी किताब से अल्फाज पढ़ के सुनाता है या अपने से की बुनियाद पर पढ़ के सुनाता है खास शागिर्द उसको लिखता है या नहीं लिखता है। ये सिमा है। बस और अरबी जबान में उसके लिए मारूफ अल्फाज क्या है मसला कहते हैं अखबराना अम्बाना इस तरह के अल्फाज हैं है, मेरे साथ ने मुझे बयान करते वक्त मुफरत का सीधा इस्तेमाल करना यानी हदसनी कहना अखबरानी कहना समेत तो वगैरह कहना यह भी ठीक है और आफ ने क्या ये सबसे बेहतर सूरत है जमा के सीगे यानी हदसना अखबराना समय वगैरह में इस बात के इस्तेमाल होते हैं कि इस रावी के साथ बहुत से और लोग भी शरीक होंगे जैसे आप लोग इकट्ठी हैं तो आप हदसना अखबराना समय ना और लोग भी शरीक है लेकिन एक आदमी कहता हैं हदसा नहीं अखबारा नहीं ये ज्यादा अरफा है कि सिर्फ इसी को सुनाइए दूसरी सूरत आपने पढ़ी किरात उस्ताद के सामने पढ़ना बाकी जाएगा नहीं लिया जाएगा हकीकत आपको, आपको उसकी मालूम है कि इससे क्या मराद होती है शागिर्द को कोई चीज याद हो और वो उसद को सुनाई जब किताब से पढ़कर उसताद को सुनाए और अदीस लेने की इस किस्म में शाकिर शागिर उस्ताद को पढ़ के सुना रहा होता है इस चीज को किरात अला शेख भी कहते हैं जब शागिर्द अपने हाफसा या किताब से पढ़कर ना सुनाए बल्कि कोई दूसरा सुना रहा है कोई दूसरा उस्ताद को पढ़कर सुना रहे है, और ये भी सुनता जा रहा है तो इस सूरत में शेख के लिए जरूरी है कि जब पढ़े जाने वाली इबारत हो उसको याद भी हो या अगर जरूरत पड़े तो फिर जो उसके शागिर्दों में से मोतबार हैं कम अज कम उनमें से कोई एक शगिर उसके सामने इस किताब को उसने परख कर देखा हो यह भी एक सूरत होती है इसकी किताब पढ़कर किताब से पढ़कर सुनाना ये ज्यादा अफसल है तो आपसा के सुनाने की बनस्बत क्योंकि आपसा में बात बात रहती है बात नहीं रहती सिर्फ हाफसे पर अतम करना बात खताब भी होती है तो किताब से पढ़कर सुनाना इसमें खता के इमकान कम होता है तो बहरहाल पढ़कर सुनाने को किताब से पढ़कर सुनाने को हाफ से पढ़कर सुनाने की نسبت तरजीह दी जाती है मसलन किताब से पढ़कर सुनाने से मुराद यह भी है कि शागिर्द के पास किताब मौजूद है और वो उसमें से पढ़कर सुनाए अक्सर محدثین इसको जायज समझते हैं कि शागिर्द हदीस बयान करते वक्त यूं कहे हद्दसना शैखु या यूं कहे अखबरना या समीतु मिन शेखी करात ही तो इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं उस्ताद को पढ़कर सुनाया गया और उस्ताद ने सुना उ के के है कि इनके आदमी इनका नाम ना लेने की सूरत में यह समझा जाएगा शायद ये उस्ताद ने शगिर को पढ़कर सुनाया अब देखिए एक आदमी वैसे ही हदीस बयान करता और ये नहीं कहता कि मैंने उस्ताद को सुनाया तो फिर यूँ समझ आएगी कि उसताद ने इसको सुनाया बात उल्ट हो जाएगी तो इसलिए जैसे कहते हैं जो अज और तहमल अदीस की अफसल तरीन सूरत होती है कि उस्ताद ने पढ़कर सुनाए तो इसलिए अल्फाज के साथ उसको मुतन कर दे कि मैंने उस्ताद को पढ़कर सुनाए और तीसरी सूरत आपने पढ़ी इजाजत इससे मुराद क्या है कि उस्ताद शगिरद को इस बात की इजाजत दे दे कि वो उसकी मसमुआत या उसकी तालीफात को आगे रिवायत कर सकते हैं अगरचे ये मसमुआत न शगिरद ने उताद से सुनी है

नाम अलग ले ले मसलन सही मुस्लिम दाऊद जाम त्रिमिजी या इबन माजा या फला फला अपनी कुतब जो कुत्वना है जो कि फला फला किताब है उसकी रिवायत करने की आपको मैंने इजाजत दे अगर ये बात हो कि एक नामालूम शख्स दूसरे गैर गैरमारूफ आदमी को इजाज़त दे या कोई मुतन किसी मुतिन या गैर मुतिन और मजहूल को अपनी तमाम रवायात के दूसरी गैर मुतिन रिवायत की इजाज़त दें तो इसके में जो आदमी कोई शोभा नहीं है यह जायज नहीं है जायज है अता मुनावला। तो मुनावला करना देना हिब्बा करना गिफ्ट देना और असला शरीफ में मुनावला से मराद यह है कि उस्ताद अपने शगिर को को कोई किताब या तहरीर शुदा कोई अदीस देकर कहे कि इसको मेरी तरफ से आगे रिवाज कीजिए फिर मुनावला की अकसाम क्या है मुनावला माल अजाजा जैसे आपने पढ़ लिया मनावरा की सबसे बेहतर सूरत यह है कि शेख किसी तलब को अपनी कोई किताब दे देता है और साथ ये भी कहते हैं मेरी फलां किताब से नकल करदा है आप इनको मेरे वास्ते से मेरे जरिए से आगे नकल करो हाँ वह तहरीर से अद्यतन दे या नकल करने के बाद वापस दे आर्यतन ले या हदयियतन दे जैसे भी हो और बाद इसको सिमा से भी अर्फ और आला समझते हैं जैसे कि आपने किताब में पढ़ लिया इसलिए कि उस्ताद की किताब जब इजाजत के साथ मकर साथ इजाजत भी है तो सिमा की नस्बत ज्यादा लायक एतमाद है किताब भी पास आ गई क्योंकि सिमा की सूरत में सुनने और सुनाने वाले के दरमियान गलती का इम्कान है जब किताब पास आ गई तो गलती है नहीं अलबत इस बारे में इमाम नबी लिखी है यह फरमाते हैं कि इसका दर्जा सिमा और कैराज से भी बुलंद है इमाम सफियान सोरी इमाम औजाई इम्न इमन मुबारक और जैसे किताब ने आपको बताया इमाम हनीफा, इमाम शाफी का एक कौल और इमाम मुजनी इमाम अहमद और शेख बिन यह भी यही फरमाते हैं कि ये तो सिमा से भी आल है क्योंकि इसलिए आपने किताब में पढ़ा तीसरा कॉल जो इमाम अबर का कॉल तीन कॉल पढ़े ना इसमें आपने कि उसके बराबर है उससे कम तरह उससे आला तरह तीनों कॉल आपने पढ़ लिया और दूसरी शराब मुनावला बगैर इजाजत के किताब दी है लेकिन इजाजत नहीं बहदस अपनी कोई तरीर किसी को दे रहे और जबान से कुछ भी नहीं कहता तो ऐसी सूरत में इमाम नबी और दीगर हजरा फरमाते हैं के रवायत करना जायज नहीं है चले बस कर लेते हैं बाकी चार सूरतें आगे रह गई है वो इनशाला इनशाला हफ्ते वाले दिन पड़े आपको मुश्किल तो नहीं लग रही अलग से आपको खुलासा कन भी समझा दिया ताकि आपको याद रहे तो इनशाला याद करने से याद होगी याद करने से इतनी मुश्किल भी नहीं है तो अगर किसी चीज़ को हम खुद मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल हो जाती है इसलिए अपने जहन पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है आसान है इनशाला आप एक बार गौर फिक्र करें तो इनशाला आपको समझ आ जाएगी पहले कौन सी किताब में यह बात पढ़ी है आपने नुकबा में पढ़ी है पहले ये उसमें तो और अंदाज हैं वो तो ज्यादातर ऊसूल फेका पे हैं हैफिका पे हैं उसमें और अंदाज है ये आगे इसमें और बड़ी अच्छी अच्छी बहसें आ रही हैं हदीस को लेने के हवाले से कि आपने हदीस को लेना कैसे है हदीस को बयान कैसे करना है उसके अल्फाज क्या होने चाहिए हदीस की किताबें कौन कौन सी होती हैं ये बहुत अच्छी अच्छी इससे आगे आ रही है। और हदीस लिखनी कैसे है आप अगर हदीस लिखने लग गई बहुत अहम बातें आगे इनशाला इसमें आएंगी शायद पीछे गुजर गई या आगे आ रही हैं तो आपने पढ़ लिया होंगी कि अदीस लिखेंगे कैसे है तमाम कैसे करेंगे लिखना बेहतर है या महज याद करना बेहतर है सारी आबास इनशाला आगे आएंगी और सारी अहम तरीन अबास करे कि ये पूरी हो जाए चले बंद कर लें क्लास उसद साहब आप होस्ट हैं, आप लीव कीजिए तो रिकॉर्डिंग ली ना, तो रिकॉर्डिंग खुद ही सेव हो जाएगी अच्छा।